तो यार अगर तुम हमारे ज़माने के बच्चे हो तो यार तुम लोगों ने बेन 10 एंड पोकेमोन इन दोनों ही कार्टून एंड एनीमे को देखा ही होगा। वेल यार कौन सोच सकता था कि यार बेन 10 एक ऐसा कार्टून है जो कि यार बहुत ही ज़्यादा पावर होल्ड करता है। यह अकेला बंदा मिलकर साइतामा गोकू जैसे कैरेक्टर्स को आराम से हरा सकता है और वो अपने एक ही एलियन के साथ ऐसा कर सकता है जो कि है एलियन एक्स। वैसे तो कहा जाता है कि ओमनीट्रिक्स में एलियन एक्स के अलावा भी काफ़ी सारे पावरफुल एलियंस हैं, लेकिन यार अभी तक हम लोगों को बेन 10 कार्टून में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन दिखाया गया है वो है एलियन एक्स। वेल हे एवरीवन एंड यार वेलकम इनटू द पोके मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि यार एलियन एक्स को हरा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार वो लोग आराम से हरा ही देंगे, ये पूरा मेरा ओपिनियन है और यार मैं भी जानता हूँ कि यार एलियन एक्स कितना ज़्यादा कैपेबल है, वो एक तरह से एक गॉड ही है। अब तुम लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा लो ना कि यार एलियन एक्स ने सिर्फ 4 बार सोच के पूरे का पूरा ओमनिवर्स क्रिएट कर दिया था। तो यार ये पोकेमॉन्स को हराना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम फिर भी इनका कंपेरिज़न इससे करके देखेंगे क्योंकि यार पोकेमोन भी कमज़ोर नहीं है और आर्केस को तो तुम लोग जानते हो, ही इज़ द गॉड ऑफ पोकेमोन्स। तो यार आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और यार ये सारी थ्योरीज मेरी खुद का ओपिनियन रहेगा। तो यार प्लीज़ एलियन एक्स फैंस ट्रिगर मत हो जाना, और अगर तुम लोग पोकेमोन से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं बेन 10 पे पहले वीडियोस बनाता था, अभी काफ़ी कम वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर तुम लोग बेन 10 वाले हो तो प्लीज़ मत सब्सक्राइब करना। और अभी ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार बाकी पोकेमोन्स की बात करने से पहले हम लोग एलियन एक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को जान लेते हैं। एलियन एक्स एक सेलेस्टियल सेपियन है, ये उसके एलियन स्पीशीज का नाम है जो कि यार कहीं भी रह सकते हैं। इनफैक्ट उन लोगों को कोई भी यूनिवर्स या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है रहने के लिए, वो खुद का यूनिवर्स बना के रहते हैं। बेन 10 में हम लोगों ने एलियन एक्स को टाइम रिवर्स करते हुए देखा है, और तो और यार एलियन एक्स को गैलेक्टिक ग्लैडिएटर जैसे अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को आराम से हराते हुए दिखाया गया है। और तो और यार एलियन एक्स इतना ज़्यादा कैपेबल हम लोगों को दिखाया गया है, इसने एक बार पूरे का पूरे यूनिवर्स रिक्रिएट किया था। चलो तो यार अब हम उन पोकेमोन्स की बात कर लेते हैं जो कि यार एलियन एक्स को हरा सकते हैं। क्योंकि नंबर 5th पोकेमोन है जो कि एलियन एक्स को हरा सकता है, वो है हुपा अनबाउंड। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे हुपा अनफाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हुपा अनबाउंड की बात कर रहा हूँ। हुपा अनबाउंड अपने रिंग की मदद से किसी भी पोकेमोन को समन कर सकता है। एस तुम लोगों ने मूवी में देखा ही होगा कि यार उसने सारे के सारे लेजेंडरीज को वहाँ पर समन कर दिया था रेक्वाजा को संभालने के लिए। और यार वो उन पोकेमोन्स को सिर्फ और सिर्फ समन ही नहीं करता है, वो उन सारे पोकेमोन्स को कंट्रोल भी करता है। हुपा अनबाउंड एक मिथिकल पोकेमोन है जो कि साइकिक एंड डार्क टाइप है, और तो और यार ये एक गॉड लेवल का पोकेमोन है एक टाइप से, और इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स है। ये चाहे तो आर्केस को भी कहीं भी समन कर सकता है, वो बात अलग है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हुपा अनबाउंड अपनी पावर से काफ़ी सारे मतलब टाइम्स को भी आगे पीछे कर सकता है। इसकी जो कि टाइम पावर है वो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स का कहना है कि यार वो टाइम को रिवर्स और आगे पीछे कैसे भी कर सकता है। और तो और यार हुपा अनबाउंड इतनी ज़्यादा पावर होल्ड करता है कि यार वो एक प्लैनेट से भी ज़्यादा 5-6 प्लैनेट्स को अकेले ही उड़ा दे। और तो और यार ये सारी जो चीज़ें, ये मैं अपना ओपिनियन से बता रहा हूँ कुछ रिसर्च करके, तो तुम लोग ये मत समझना कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। तो यार अब बात कर लेते हैं कि यार हुपा अनबाउंड एलियन एक्स को कैसे हरा सकता है। देखो यार अगर हुपा अनबाउंड की बात कही जाए तो यार उसके पास जो कि समनिंग रिंग है उससे वो काफ़ी सारे पोकेमोन्स को एक ही जगह पे समन कर सकता है, और एज अ पोकेमोन वो पोकेमोन्स इसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अब रही बात भाई एलियन एक्स की, अगर वो पूरा का पूरा यूनिवर्स भी तबाह कर देता है तो यार वहाँ पे पोकेमोन गॉड ऑफ आर्सियस भी रहेगा जो कि यार फिर से उस चीज़ को रिक्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से यार एलियन एक्स का मतलब इतना सब कुछ काम नहीं करेगा। और यार यहाँ पर एक बात आती है कि यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार बेन टेनिसन को एलियन एक्स की पावर्स बार बार मिले, क्योंकि यार एलियन एक्स के जो कि अंदर के सरीना एंड बेलिकस है उनको कंट्रोल करना एक तरह से नामुमकिन है। और यार ये भी कंफर्म नहीं रहता कि यार कि बेन टेनिसन को एलियन एक्स की पावर हर बार मिलती रहे। तो इस हिसाब से भाई हुपा अनबाउंड जीत सकता है। यहाँ पर दो केसेस है
कि एक में तो उसके पास मतलब बेन टेनिसन होगा जिसको कंट्रोल करके जीत सकता है, और एक केस में तो बेन टेनिसन को सरीना और बेलिकस एलियन एक्स की पावर देगी ही नहीं, तो यार बेन टेनिसन लड़ ही नहीं पाएगा। तो यार इसके अंदर सीधी सीधी जो जीत होती है वो हुपा अनबाउंड की ही होती है। नंबर फोर्थ, अल्ट्रा नेक्रोज्मा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अल्ट्रा नेक्रोज्मा पोकेमॉन वर्ल्ड का एक टाइप से सेकंड गॉड है, क्योंकि यार ये जब अपने अल्ट्रा फॉर्म में होता है तब इसके बेस स्टैट आर्कियस से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अल्ट्रा नेक्रोज्मा के बारे में कुछ लोगों का, और यार क्वारा पे कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यार ये चाहे तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही बार में तबाह कर सकता है अपने सिंगल अटैक में। और यार अगर ये पूरे यूनिवर्स को अपने सिंगल अटैक में तबाह कर सकता है तो यार एक टाइप से वो एलियन एक्स को भी हरा सकता है। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि यार हमारे जो कि अल्ट्रा नेक्रोज्मा है वो एक तरह से एक सेलेस्टियल बीन है, यानी कि एज कंपेयर टू एलियन एक्स ये भी उसी की तरह है। एनीमे में हम लोगों को अल्ट्रा नेक्रोज्मा का कोई भी अटैक नहीं दिखाया गया है, लेकिन कहा जाता है कि यार अल्ट्रा नेक्रोज्मा इतना ज़्यादा कैपेबल है कि यार अगर आर्कियस ना हो तो यार वो पोकेमॉन वर्ल्ड का सेकंड गॉड बन सकता है। और यार ये पोकेमॉन इस लिस्ट में होना बिल्कुल ही डिजर्व करता है। नंबर थ्री, एटरनेटस। एटरनेटस अब तक का सबसे हाईएस्ट स्टैट्स वाला पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में। इनफैक्ट इसके जो बेस स्टैट्स है वो आर्कियस नेक्रोज्मा से भी ज़्यादा है। और कहा तो ये भी जाता है कि यार ये जो पोकेमॉन है ये आर्कियस के साथ ही बॉर्न हुआ था। जब आर्कियस गॉड ऑफ पोकेमॉन का खिताब लिया था, मतलब जिसने भी दिया होगा, उसी टाइम हमारा जो कि एटरनेटस था वो भी वहीं पे था। और यार एटरनेटस अपने इटरना मैक्स फॉर्म में ये जो बेस स्टैट्स और पावर को गेन करता है। एटरनेटस के पास ऐसी पावर्स है जिसकी वजह से पोकेमॉन वर्ल्ड में जैगेंटामैक्स और डायनामैक्स जैसे फॉर्म्स आए हैं। और यार वो अब हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि यार वो एलियन एक्स को कैसे हरा सकता है। देखो यार बेसिकली यहाँ पर वही दो आएगे भाई रीजंस कि एलियन एक्स का कंट्रोल वगैरह, और यार यहाँ पर हमारा जो कि एटरनेटस है वो एक सेलेस्टियल बीन पोकेमॉन है। तो यार ये चाहे तो अपने एटरनामैक्स फॉर्म को काफ़ी अच्छे से यूज़ करके एलियन एक्स को काफ़ी आराम से हरा सकता है। और यार मैं पहले बता दूँ, एलियन एक्स 96% ओमनीपोटेंट है, और ये जो पोकेमॉन्स मैंने जितने भी बताए इन लोगों को स्पेस वगैरह से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जो कि तुम लोग बोलोगे कि ये यूनिवर्स ही तबाह कर देगा तो फिर वो स्पेस में कैसे सर्वाइव करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये पोकेमॉन्स भी काफ़ी आराम से सर्वाइव कर लेंगे एलियन एक्स के साथ, और यार एलियन एक्स को ये सब मार भी सकते हैं। और यार यहाँ पे एटरनेटस भी एलियन एक्स को अपनी एटरनामैक्स फॉर्म में काफ़ी आराम से हरा सकता है। नंबर टू, रेकवाजा, वो भी मेगा रेकवाजा। मेगा रेकवाजा भी एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि आर्कियस से ज़्यादा पावर होल्ड करता है। इस पोकेमॉन में हुपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में वो सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को अकेले ही हरा दिया था अपने मेगा फॉर्म में। अब तुम इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। और यार इस पोकेमॉन को सिर्फ आज तक एक ही पोकेमॉन ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, वो है डिओक्सिस, लेकिन उसको भी इसने काफ़ी खतरनाक तरीके से मार दिया था। और यार ये ऑब्वियसली स्पेस के अंदर रहता है, और एक तरह से भाई ये आर्कियस का मतलब चेला चमचा तुम जो भी इसको कहोगे वो है। और यार ये एलियन एक्स को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार ये एलियन एक्स को आसानी से हरा सकता है, ये तो बाकी उन पोकेमॉन्स के लिए था जो कि इससे नीचे है। और ये पहले बता दूँ, ये कोई रैंकिंग नहीं है। और यार मुझे जहाँ तक लगता है ये काफ़ी अच्छी टक्कर होगी, और जहाँ तक मेरा मानना है कि यार हमारा जो कि रेकवाजा है ये गैलेक्टिक ग्लैडिएटर जितनी स्ट्रेंथ एक्वायर करता है। नंबर वन, आर्कियस। आर्कियस गॉड ऑफ पोकेमॉन, जिसने भाई पूरी पोकेमॉन यूनिवर्स बनाया है, एज पर हमारा एलियन एक्स ने भी भाई पूरा एक यूनिवर्स क्रिएट किया है। और इसी बात से अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन पे उतर आए तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कंपैरिजन तो कर ही सकता हूँ ना। हमारा जो कि आर्कियस है वो यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, उसने एक बड़े से बड़े मीटियोरॉइड को एक ही अटैक में चूर चूर कर दिया था। और ये चाहे तो भाई एक प्लैनेट को भी काफ़ी आराम से उड़ा सकता है। इसकी सारी की सारी प्लेट्स की मदद से ये किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और तो और यार ये हुपा अनबाउंड जैसे पोकेमॉन्स को भी अपने साथ समन कर सकता है, ऑब्वियसली ये एक गॉड ऑफ पोकेमॉन है इसी वजह से। और यार यहाँ पर ये हमारा जो कि आर्कियस है चाहे तो सरीना एंड बेलिकस के सामने भी प्रेजेंट कर सकता है खुद को। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वारा की कुछ
हस्तियाँ कह रही है। लेकिन फिर भी यार आर्केस एक बहुत ही अच्छा मैच है एलियन एक्स के लिए। और यार ये थे वो 5 पोकेमोन जो कि एलियन एक्स को हरा सकते हैं। देखो यार ये फुल्ली मेरा ओपिनियन है, ये कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है जो कि तुम लोग भाई ट्रिगर हो जाओ। ये सारी मेरी थिंकिंग थी, तुम लोगों की क्या थिंकिंग है मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन यार ये पोकेमोन्स काफ़ी अच्छे से टक्कर दे सकते हैं एलियन एक्स को। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।